हमारे आटे के बिस्किट रेडी हैं, ये देखिए। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मुझसे शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको गेहूं के आटे के बिस्किट बताऊंगी। उसके लिए मुझे चाहिए गेहूं का आटा, जो मैंने 1 कप लिया है, बेसन 1/4 कप, पीसी शुगर 1 टेबल स्पून, घी 1/2 कप। मैं इस गेहूं के आटे में ये अपना बेसन डालूंगी। फिर पीसी शक्कर जो 1 टेबल स्पून मैंने ली है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें अपना घी डालूँगी और इसे मिक्स करेंगे और एक फाइन डो रेडी करेंगे। ये देखिए, हमें कुछ इस तरह से इसका एक फाइन डो रेडी करना है। हमारा डो रेडी है, ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें ये डो रेडी करना है। अब मैं एक पेड़ा उठा लेती हूँ। हमें इसे कुछ इस शेप में रेडी करना है, ये देखिए। और अब आप इस पर, मैं एक नाइफ से इस पे एक डिज़ाइन दे देती हूँ। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, मैं इस तरह का डिज़ाइन दे रही हूँ। और मैं इसे एक इसमें रख देती हूँ। ऐसे ही हमें सारे आटे को करना है। ये देखिए, इसे भी हमें इसी तरह से शेप देना है जो मैंने दे रखा है। इसे थोड़ा प्रेस करना है। आप चाहे तो थोड़ा गोल शेप भी दे सकते हैं। ऐसे ही मैं सबको रेडी कर लेती हूँ। हम फ्राई पैन में थोड़ा घी या तेल को लगाएंगे। और इसमें मैं अपने बिस्किट रखूंगी। हमारे बिस्किट, ये देखिए, रेडी हैं अब सेकने के लिए। अब मैं एक तवा लेती हूँ। मैं इस तवे पर अपने फ्राई पैन को रखूँगी और हम इसे 10 से 15 मिनट तक बेक होने देंगे। मैं इसके ऊपर इस तरह से रख देती हूँ और इसे मैं ढक दूँगी। 10 से 15 मिनट तक इसे हम बेक होने देंगे। आप इसका गैस का फ्लेम धीमे रखिएगा। मैं इसे अब ढक देती हूँ और 10 से 15 मिनट तक इसे हम बेक होने देंगे धीमी आंच पर। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे बिस्किट रेडी हैं। हमारे आटे के बिस्किट रेडी हैं, ये देखिए। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मुझसे शेयर कीजिए।